जहां तक चुनाव के लड़ने की बात है, समाजवादी पूरी मजबूती से लड़ेगी और हम आशा करते हैं सभी सीटों पर जहां लड़ेंगे सब जीतेंगे। इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेंगे तो जीतेंगे। नतीजे कहीं निराश करते हैं, कहीं लोगों को उत्साहित करते हैं। उत्तर प्रदेश का जब नतीजा आया तो भाजपा निराश हो गई थी, याद है? तो ये तो होता रहा। मतलब आप लोग का कहना है कि हम लोग उत्तर प्रदेश में भाजपा को निकाल बाहर करेंगे। समाजवादी पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी अगली बार 17 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। कांग्रेस के साथ मिलकर ही लड़ेंगे? नहीं, अब देखिए अभी तो गठबंधन है ही है, उसी के साथ मिलकर लड़ा जाए। कांग्रेस को भी कुछ सीटें जाएंगी? नहीं, क्यों, इस कांग्रेस को सीटें मिलेंगी ना कुछ, लेकिन फूलपुर से भी दावेदारी। देखिए अभी हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हमारी बात कोई हुई नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और कांग्रेस के प्रतिनिधि से बात हुई, उसी हिसाब से अपना वो कुछ करेंगे। जब तक हम वहाँ लखनऊ पहुँच के पूरी जानकारी लेने, हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। लड़ेंगे मजबूती से? हाँ, मजबूत रहे इसमें भी कोई संदेह है, अभी मजबूती नहीं आई। देख रहे हो कैसे कैसे उलट गए, कहाँ 400 पार, कहाँ 300 पार भी नहीं हुआ। हरियाणा में लड़ गए? देखिए हरियाणा में तो गठबंधन में हम लड़े नहीं थे, कांग्रेस से सीधे उनकी लड़ाई थी। अब किन परिस्थितियों में क्या हुआ इसके बारे में कुछ कहा। क्या अगर हरियाणा में समाजवादी पार्टी साथ होती कांग्रेस के तो रिजल्ट बदल सकता? अभी देखिए इसके बारे में हम कुछ कहा नहीं, क्योंकि अब जो चुनाव हो गया तो उसके बारे में जब इसका विवेचना होगी और इसके बारे में चर्चा होगी तब क्लियर होगा क्या हो सकता है क्या नहीं।